मॉर्निंग सेकंड क्लास बेटा, ये आपकी वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था कि हम लेंथ को जब भी मेजर करते हैं तब एक तो अगर आप हाथ से या पैर से या फिर चलकर आप अगर इसको मेजर कर रहे हो तो ये कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है? क्योंकि सबके हाथ का साइज, सबके पैर का साइज, सबका चलना अलग अलग होता है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट वही होती है जो सबके लिए एक बराबर हो। और अगर सबके हाथ का साइज और पैरों का साइज अलग अलग है तो हर किसी के लिए साइज जो है वो एक नहीं हो सकता। इसीलिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स जो बनाई है लेंथ की, वो क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, यानी बेसिकली जिसके पीछे मीटर लगा होता है, एम लगा होता है, वो सब हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारी लेंथ की वो मीटर है, अगर कोई चीज मीटर से भी छोटी है तो हम उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, और मीटर से बड़ी है तो उसको किलोमीटर में लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये हम ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि किलोमीटर जो है वो सबसे बड़ी यूनिट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जैसे किसी दो सिटीज के बीच में, जैसे दो शहर है उनके बीच में जब हम नापेंगे तो मीटर में थोड़ा ना नापेंगे, ठीक है, तो हम उसको किलोमीटर में, आपने सुना भी होगा कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो इसीलिए हम जब बड़ी यूनिट्स होती है तो उसको किलोमीटर में, छोटी यूनिट होती है तो, बहुत छोटी होती है तो सेंटीमीटर में, ठीक है, यानी सबसे बड़ा किलोमीटर, फिर मीटर, और फिर सबसे छोटा सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपनी 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.1 में हमने एडिशन सीखा था, प्लस करना सीखा था, ठीक है, अब हम यहाँ पर माइनस करना सीखेंगे। सेम इसमें भी जैसे यहाँ सेंटीमीटर और मीटर लिखा था, यहाँ पर भी आपको यूनिट्स दी हुई है। हमेशा जब भी आप किसी भी लेंथ को, किसी के वजन को, इन सबको नापते हो तो उसकी यूनिट को आपको साथ लेना पड़ता है कि आपने सेंटीमीटर में नापा है या आपने मीटर में नापा है, आपने किस में नापा है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर नाप रहे हैं तो सबसे पहले आप पीछे सेंटीमीटर लिखोगे और फिर माइनस करोगे। 6 में से 5 गए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होता है, ठीक है, अब इसमें से 5 माइनस करना है, यानी 1 2 3 4 5, 5 माइनस हो गया, क्या बच गया? 1। ठीक है, माइनस करना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, है ना, सीख चुके हैं ना, पहले ही हम लोग माइनस करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर सेंटीमीटर है दोनों में, हमेशा यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक होते हैं, इसमें से 2 चले गए तो कितने बच गए? 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा? 3। ठीक है, अब 9 है, 9 में से 1 गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक वो इसमें से 1 चला गया तो कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच गए? 8। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको माइनस करना है इस वाले एक्सरसाइज में और बुक के अंदर करना है आप। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको इसके नीचे 2.3 दी हुई है क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर है, इसीलिए हम एक ही वीडियो में इसको करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर अब आपको, यहाँ पर अभी तक हमने एक यूनिट देखी थी, यहाँ पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो दोनों में मीटर, ठीक है, मगर यहाँ पर दोनों यूनिट साथ में दे रखी है, ठीक है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, ठीक है, मीटर भी है और सेंटीमीटर में भी है। जो सेंटीमीटर है वो यहाँ पर आएगा, जो मीटर है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं, लिखेंगे करेंगे वैसे ही, मगर आपको लिखना इस तरीके से, थोड़ा सा गैप बना के, ठीक है। जैसे मैं, हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं, 5 में से 0 प्लस किया, प्लस है ना, देख कर करना है प्लस है या माइनस है। 5 में 0 प्लस किया तो 5, 6 में 3 प्लस किया, 1 2 3 4 5 6 पहले ही हो गए, फिर 1 2 3 हो गए, कितना हो गया टोटल? 9। तो 9, अब यहाँ पर पीछे सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा है, इसके नीचे जितनी भी चीजें आएंगी वो सब अपने आप सेंटीमीटर है। अब यहाँ चलते हैं, 7 में 4 प्लस किया, 8 9 10 11, 11 का 1 और 1 कैरी तो कितना हो गया? 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, ठीक है, प्लस कर लिया, नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं, जैसे हम 2 डिजिट के नंबर प्लस करते थे, ठीक है, ऐसा समझ लो कि दो क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, ठीक है, मतलब दो ऐड और सब्ट्रैक्ट, जैसे एक ये सम हो गया, एक ये सम हो गया, दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। अब 10 में से 9 जा सकता है? नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे? कैरी लेंगे, किससे? इससे, तो ये 8 का क्या बन जाएगा? 7। 10 में से 9 गए, 1, 7 में से 2 गए, 5। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर लिखा है और जब ऊपर लिखते हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब इधर देखिए, 6 में से 0 गए,
आपके पास 6 टॉफीज हैं, आपने एक भी किसी को नहीं दी, तो कितनी रह गई? 6। अब यहाँ पर 0 है तो फिर कैरी, आगे वाला नंबर वैसे ही। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल प्लस और माइनस करते हैं, जैसे हमेशा से हम प्लस और माइनस करते थे, ठीक है? वैसे 10 में से 8 गए तो 2 बच गए, 6 में से 2 गए तो 4 बच गए, ठीक है बेटा? नॉर्मल प्लस माइनस जो हमारा होता है उसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है बेटा? तो इसी तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चन को भी अपना बुक में ही कर रहे हैं, आपको कॉपी में भी कुछ भी नहीं लिखना है, जो आपको कॉपी वर्क भेजा जाएगा वो आपको कॉपी में करना है।